दोस्तों ये देखो आप, मैंने गुलाब जाम बनाए हैं और मैंने यहाँ पे गुलाब जाम और काला गुलाब जाम भी बनाए हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे। तो एक गुलाब जाम आपको मैं तोड़कर भी दिखा देता हूँ। एकदम सॉफ्ट है और एकदम स्पॉन्जी बने हैं। आप इसकी स्पॉन्जनेस देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी बने हैं। अंदर तक इसके चाशनी भरी पड़ी है। तो चलो इसको अब बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूर और स्वागत है आपका द मयूर्स किचन में। आज हम बनाएंगे एकदम दिवाली स्पेशल रेसिपी जो कि है गुलाब जामुन। एकदम परफेक्ट बनेंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुलाब जाम बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। तो मिल्क पाउडर के साथ साथ हमें चाहिए 1/4 कप देसी घी और इसके साथ 1 कप दूध। तो मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। तो आप सिंपल दूध भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। तो ये इसका रेशियो है। तो चलो गुलाब जाम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गुलाब जाम बनाने के लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई का गैस मैंने बंद रखा है, चालू नहीं किया है। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूँगा 1 कप दूध। गैस ऑन नहीं किया है मैंने, बंद ही है गैस। तो दूध के साथ साथ मैं इसमें डालूंगा 1/4 कप देसी घी। तो मैंने इसमें देसी घी भी डाल दिया है और इसको मैं मिक्स करूंगा दूध के साथ। अभी तो गैस बंद ही है। तो इसमें मैं डालूंगा 2 कप मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे दूध पाउडर भी डाल दिया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगा। पहले पहले तो इसमें बहुत गुठलियाँ बनेंगी, तो टेंशन मत लीजिए। गैस जैसे ही ऑन करेंगे गुठलियाँ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको दूध के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये देखो आप कितने थिक है। हमें बना रहे वो नकली खोया बना रहे। तो ये अपने आप इसका एक डो बन जाएगा। तो देखते रहिए। तो गैस मैंने यहाँ पे मीडियम कर लिया है और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल एक डो जैसा बन रहा है। वो थोड़ा सा उंगली पे चेक कर लीजिए, बिल्कुल हाथ पे चिपके ना। तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो मैं इसे गैस ऑफ कर लेता हूँ और इसे हम इसी तरह से थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ऐसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इतना भी ठंडा नहीं, थोड़ा सा वार्म इसको रहने देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। मैंने यहाँ पे हमारा जो नकली खोया था उसमें 5 टेबल स्पून मैदा डाला है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है।
तो गलती से मैंने पहले ही डाल दिया था। तो मैं अब इसको मिक्स कर लूँगा। तो ये हल्का वार्म है, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो इसको मैं अच्छी तरीके से गूंथ लूँगा ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना रहे। इसको अच्छी तरीके से मसलिए। तो दोस्तों इसमें बेकिंग पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। तो इसको अच्छी तरीके से गूंथिए हाथों से ताकि हमारा गुलाब जाम फटे ना तेल में। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरीके से मल लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें 2 टेबलस्पून में इसमें गर्म पानी डालूँगा। इससे क्या होगा, हमारे गुलाब जामुन में क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएंगे। इसमें 2 टेबलस्पून गर्म पानी डाल दीजिए। तो मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है, तो इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इससे क्या होता है, हमारे गुलाब जामुन में क्रैक्स नहीं आते। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मल लिया है। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही साइड में रख दूंगा ढक कर। दोस्तों जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम गुलाब जाम की चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई का गैस मैंने ऑफ ही रखा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसमें मैं डालूँगा 2 कप चीनी। तो मैंने इसमें 2 कप चीनी डाल दिए और इसमें मैं डालूँगा 1 कप पानी। तो चाशनी का रेशियो आपको ऐसा ही लेना है, 2 कप चीनी तो 1 कप पानी। मैं इसमें 1 कप पानी डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मैं गैस ऑन करूँगा। अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए इसमें 3 मैंने यहाँ पे कुटी हुई इलायची लिए इसमें डालूँगा। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कलर के लिए केसर भी डालूँगा। मैंने केसर के थोड़े से धागे लिए, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और चाशनी की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल तेल जैसा दिखना चाहिए और हाथ पे लेने पर ही ये बिल्कुल तेल जैसा लगना चाहिए, एकदम तेल जैसे चिपचिपा लगना चाहिए। तो ये बिल्कुल तेल जैसा है। तो हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो गैस बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे। जैसे ही हमारे गुलाब जाम रेडी होते हम तुरंत ही चाशनी में उसे डाल देंगे। तो दोस्तों चाशनी तो हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलो अब हमारा आटा चेक कर लेते हैं। तो हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट ही है अभी तक। तो मैं इसके इक्वल साइज़ के लोइया बनाऊंगा। तो आपको किस साइज़ का गुलाब जाम चाहिए आप उस साइज़ का बना सकते हो। मैं इस साइज़ का बना रहा हूँ, मीडियम साइज़ का। तो इसको अच्छी तरीके से हथेली में इसे रोल कर लीजिए, एकदम प्रेस कर दबा कर ऐसे रोल करेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना आए। तो मेरे गुलाब जामुन पर किसी भी प्रकार का क्रैक्स नहीं आया है। तो इसी तरह से मैं सब गुलाब जामुन यहाँ पे रेडी कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे सब गुलाब जामुन रेडी कर लिए हैं। तो चलो इसको फ्राई करते हैं। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने तेल डाला है। तेल एकदम हल्का सा गर्म है, तो आपकी कढ़ाई में जितने आ जाए आप उतने डाल देना। आराम से डालूंगा मैं इसमें एकदम, और एक हाथ से इसको हिलाना स्टार्ट कर देंगे। गैस हमारा मीडियम है।
आप हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे काला जाम बनाना हो तो इसे आप और डार्क कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे गुलाब जाम में एक भी क्रैक नहीं आया है। तो इसी तरह से आटा लगाओगे तो आपके गुलाब जाम में एक भी क्रैक नहीं आएगा। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेता हूँ और इसे तेल के बाहर निकाल लेता हूँ। काला जाम के लिए और थोड़ी देर इसको फ्राई कर लीजिए, थोड़ा सा डार्क और निकाल लीजिए। तो दोस्तों मैं इसे आप निकाल लूँगा। मैंने इसे एकदम लो गैस पर फ्राई किया है, आप भी इसी तरह से कीजिए, नहीं तो ये बीच में कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो चलो इसको चाशनी में डालते हैं। तो दोस्तों मैं इसे तुरंत ही चाशनी में डाल दूंगा। तो चाशनी भी हमारी हल्की सी गर्म है तो मैं इसे इसमें डाल दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब गुलाब जाम हमारे रेडी कर लिए और मैंने काला गुलाब जाम भी बनाए। जैसा कि मैंने आपको कहा था तलने तक इसको ज़्यादा तलिए ये काला जाम भी बन जाएगा। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गए और हमारे रेगुलर गुलाब जाम भी कितनी स्वादिष्ट दिख रहे हैं। तो ऐसे ही गुलाब जाम आप दिवाली पे ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स कैसे लगी मेरी रेसिपी, एकदम गुलाब जाम परफेक्ट है ना। तो ऐसी आसान रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करो द मयूर्स किचन को। थैंक यू।